हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने पिछले वाले टॉपिक क्लियर कर लिए होंगे अभी तक, जिसमें हमने बाइट स्वेट ला, उसके एप्लीकेशंस और फिर उसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। तो उससे आगे चलते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, वो है मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स और चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। देखिए, हमने स्टार्टिंग में कुछ बाइट स्वेट ला पढ़ा था, वो एक एग्जांपल दिया था। वो क्या था कि मान लीजिए हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द बोर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। एक चार्ज पार्टिकल जिसको यहां रखा गया है, जिसके ऊपर Q चार्ज है, दैट इज प्लस Q, ओके, प्लस Q इसके ऊपर चार्ज है और ये यहां रखा हुआ है, तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। क्या इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है? फिर क्या हुआ कि इसको इस डायरेक्शन में V वेलोसिटी दे दी गई, इस चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी दे दी गई। जैसे ही इसको इधर v वेलोसिटी दी, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा, एंड दैट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स। व्हेन, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, समझ आई बात कि एक मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर इनवर्ड, एक चार्ज पार्टिकल यहां रखा हुआ है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है वो, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको इस डायरेक्शन में मोशन दी गई, तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, और उसी फोर्स की हम बात कर रहे हैं कि जब वो फोर्स लगेगा तो उस चार्ज पार्टिकल की मोशन क्या होगी। तो लिखिए इसमें, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन सम पर्टिकुलर एंगल कॉन्फिग्रेशंस, ये नहीं है कि हमेशा इस पे फोर्स लगेगा, कुछ एंगल ऐसे होंगे जिस पे मोशन में भी होगा बट फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। एंगल कॉन्फिग्रेशन, मैंने चार्ज पार्टिकल मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन सम पर्टिकुलर एंगल कॉन्फिग्रेशन, देन it experiences, it means charge experiences a force, okay, and this force is given by and this force is given by F is equal to F directly proportional to Q, directly proportional to V, directly proportional to B, indirectly proportional to sin theta. Theta is the angle between V and B.
velocity vector of charge and magnetic field. बात समझ में आई कि जो फोर्स लगेगा वो इन इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. मींस जो फोर्स है वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वी बी साइन थीटा एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विल बिकम्स वन. दिस गिव्स गिव वी क्यू वी बी साइन थीटा. ओके हेयर proportionality constant is 1. Proportionality constant is 1. तो ये हमें फोर्स मिलता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज q है v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड b में b के साथ थीटा एंगल बनाते हुए मूव करेगा तो उस पे कितना फोर्स लगेगा. उस पे क्यू वी बी साइन थीटा फोर्स लगेगा. ओके फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी ना. अगर फोर्स है तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू होगा क्यू. ये तो स्केलर है, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी होती है. तो हमारे पास क्यू भार वी क्रॉस बी. ओके वी क्रॉस बी. हम जब इसको ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी बी साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वी बी साइन थीटा. अब देखिए कि जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है कि फोर्स किधर लगेगा. किस रूल से कैसे पता चलेगा, तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हमें डायरेक्शन कैसे बताता है. डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज given by right hand thumb rule or right hand screw rule. ठीक है, क्लियर. कैसे, सबसे पहले तो हम इसमें ये बताएंगे कि देखिए दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग perpendicular to the plane containing V and B. यह उस plane के perpendicular होगा जो कि जिसमें कि V और B lie कर रहे हैं. Either it is inward or outward given by right hand rule. तो ये जो right hand rule है ये हमें क्या बताएगा, ये हमें ये बताएगा कि वो perpendicular inward है या outward है. या सीधा हम इसमें यही पढ़ सकते हैं कि right hand rule से ही पता चल जाएगा हमें कि but उस plane के perpendicular always perpendicular to the plane containing V and B. okay. तो देखिए चाहे आप इसको ऐसे ये वाला लिख सकते हैं या फिर हमारे पास डायरेक्ट राइट एंड थंब रूल. ठीक है, तो राइट एंड थंब रूल हमें कैसे अप्लाई करना है. देखो क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे अप्लाई करते थे कि हमारी जो
ये फिंगर्स हैं ये किस तरफ होनी चाहिए, अगर मान लो V क्रॉस B है तो V की तरफ, और इस तरह से होनी चाहिए कि वो B की तरफ बेंड हो जाए, तो थंब विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। तो यहां देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर बताया था मैंने, क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड, और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। तो इसका मतलब फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज की मोशन ये वाली है, तो उंगलियां वी, अगर वी क्रॉस बी है तो वी की तरफ, और किधर बेंड होनी चाहिए, बी की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि वी क्रॉस बी, तो थंब किधर है, ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा। V क्रॉस B, ठीक है, अगर हमारे पास मान लो ये होता, अगर मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, डॉट का मतलब क्या होता है आउटवर्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और जो चार्ज है उसकी वही डायरेक्शन है V, परपेंडिकुलर है, देखिए फिलहाल तो हम ये कहें परपेंडिकुलर हमारे पास, तो देखिए V, V क्रॉस B, V तो ये है बट B अब की बार इधर नहीं है, B किधर है, इधर है, तो V क्रॉस B, इसका मतलब देखिए थंब किधर है, नीचे की तरफ, तो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जिस चार्ज पे हम फोर्स की बात कर रहे हैं, ये जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव चार्ज की बात हम कर रहे हैं, फोर्स नेगेटिव पे भी लगेगा लेकिन ये जो डायरेक्शन हम बता रहे, मैग्नीट्यूड वही रहेगा क्यू वी बी साइन थीटा, बट जो डायरेक्शन हमारे पास है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए है, अगर ये नेगेटिव होता तो इसके अपोजिट हो जाती। तो इस पॉइंट को ध्यान से लिखिए कि दिस राइट हैंड थंब रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। नोट डाल के लिखिए, दिस राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, या फिर हम इसमें ये कहेंगे देखो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड आउटवर्ड, फिर हम उसी से पत, तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि हमें जो डायरेक्शन मिलने वाली है वो राइट हैंड थंब रूल से मिलेगी। देखिए इस वाले में या इस वाले में फील्ड किधर है, इधर, मोशन किधर है, उधर, तो V और B कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं, इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो फोर्स या तो इधर होगा प्लेन के परपेंडिकुलर या इधर होगा, तो इसमें तो ऊपर आया इसमें नीचे आया, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें V और B लाई करते हैं। दिस, तो अब बात कर रहे हैं फोर्स की, क्या ये जो फोर्स है राइट हैंड थंब रूल जो डायरेक्शन देता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए, दिस राइट हैंड थंब रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। ओके, एंड फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। जो पॉजिटिव पे फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव की जगह वहां नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उस केस में जो फोर्स है वो जो पॉजिटिव पे फोर्स था उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे हम उससे। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी, कि फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टर है,
इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, गॉट इट? अब करंट आई फ्लोइंग क्रॉस का मतलब क्या है? करंट इनवार्ड है, करंट आई फ्लोइंग इनवार्ड, ठीक है। और यहां एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, ठीक है, क्यू चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर की जिसकी वेलोसिटी है, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में, तो बताइए इस पे फोर्स किधर लगेगा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि अगर करंट अंदर की, देखिए ये कंडक्टर ऐसे है, क्रॉस का मतलब ये कंडक्टर ऐसे है और इसमें करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो फ्लेमिंग्स राइट एंड पाम रूल, सबसे अच्छा क्या बताया था मैंने? पाम रूल। क्या था कि ये जो थंब था वो किसको पॉइंट करे था? करंट की डायरेक्शन को, और ये उंगलियां किसकी तरफ होनी चाहिए? फिंगर्स। ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, हमें तो यहां फील्ड देखना है ना, क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल यहां है हमारा, उस पर देखना है हमें फोर्स। तो ये करंट, तो फील्ड किधर हुआ? नीचे की तरफ। तो हमारे पास ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो बताइए उस पर फोर्स किधर लगेगा? आपको सिर्फ ये दिया जाएगा कि ये कंडक्टर ऐसे इनवर्ड करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर परपेंडिकुलर इनवर्ड करंट फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि कंडक्टर ऐसे ही होगा। ऐसे कंडक्टर और परपेंडिकुलर इनवर्ड करंट हो सकता है क्या? नहीं होगा। कंडक्टर ये है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, या फिर ऐसे, ठीक है। तो अभी तो अंदर की तरफ है, तो और ये चार्ज पार्टिकल है जिसमें वी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, हमसे पूछ लेगा कि आप बताइएगा कि इस पे फोर्स किधर लग रहा है। तो हम सिंपली क्या देखेंगे? पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पाम रूल से जो इधर आई, अब क्या राइट एंड थंब रूल लगाएंगे, और पाम रूल में भी राइट एंड यूज करना है, राइट एंड थंब रूल लगाएंगे। वी क्रॉस बी, देखो वी किधर है? इधर। क्रॉस बी, बी किधर है? इसका मतलब वी क्रॉस बी किधर गया? देखिए वी क्रॉस बी थंब किधर गया? अंदर की तरफ। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इनवर्ड का, इनवर्ड के लिए क्या होता है? क्रॉस। तो हम इसमें लिखेंगे परपेंडिकुलर। देखिए वी और बी, वी इस बोर्ड प्लेन में है और ये जो बी हमारा आया वो भी इसी बोर्ड प्लेन में ही आया इधर, तो फोर्स या तो इधर होगा या अंदर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। तो हमने वी क्रॉस बी लगाया तो पता चला कि परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा इस पे फोर्स। ओके, अब इसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं कि फोर्स कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ठीक है। कंडीशंस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स, ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या था? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वेक्टर को छोड़ दीजिए। व्हेन थीटा इज 0 डिग्री और थीटा इज 180 डिग्री, जब थीटा या तो 0 हो या 180, थीटा किस किस के बीच में फोर्स है? थीटा है हमारे पास V और B के बीच में फोर्स, ओके। और थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 में साइन क्या होता है? देखिए साइन 0 0 एंड साइन 180 भी 0, ठीक है।
तो ये कंडीशन कब होगी? जब V पैरेलल टू B होगा, और ये कब कंडीशन कब होगी? जब V एंड B आर एंटी पैरेलल। ओके, इसका मतलब है कि अगर मान लो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और एक चार्ज है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है वी वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। और अगर एक चार्ज ऐसे है क्यू और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके ऊपर भी फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। मीन्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स क्या होगा? जीरो। और एंटी पैरेलल है तब भी फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। ओके, अब तो ये कंडीशन क्या होगी? ये मिनिमम फोर्स हो जाएगा। मिनिमम कितना? जीरो। कब? इसमें एक कंडीशन और हो सकती है कि व्हेन चार्ज एट रेस्ट मींस वी जीरो हो जाए तब भी फोर्स क्या होगा? जीरो। मींस अगर चार्ज रेस्ट में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर चार्ज रेस्ट में है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री मींस वी परपेंडिकुलर टू बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी एंड वी इज परपेंडिकुलर टू बी देन, और हमें पता है कि साइन 90 क्या होता है? साइन 91 होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारे पास एफ मैक्सिमम क्या हो जाएगा? क्यू वी बी। ठीक है, तो जो फोर्स होगा हमारे पास वो जीरो एंगल से लेके 90 एंगल तक, देखें तो हमारे पास क्या होगा? जीरो पे जीरो और 90 पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ओके, तो हमने देखा कि जो फोर्स मैक्सिमम है चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो कब लगेगा? अगर बाकी टर्म्स हमारे पास कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, तो ऐसे केस में एंगल पे डिपेंड करेगा, और एंगल अगर मैक्सिमम, एंगल अगर 90 डिग्री है तो फोर्स मैक्सिमम होगा, एंगल अगर 0 या 180 है तो क्या होगा? वहाँ पे जीरो हो जाएगा, मिनिमम, मतलब फोर्स ही नहीं लगेगा अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो। ओके, अब देखिए, आगे इसमें है वर्कडन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका कई जगह न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होता है। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो देखिए, वी नो
वरगडन का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एक्स, होता है क्लियर। अब देखिए जो हमारे पास एक्स है वो किस डायरेक्शन में होगा, एक्स विल बी अलोंग वी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में वो अपना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कौन, मूविंग चार्ज पार्टिकल। अगर ये एक्स वी के अलोंग है, अगर ये एक्स वी के अलोंग है तो हमें ये चीज पहले ही पता है कि एफ जो है वो परपेंडिकुलर टू वी होता है। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, यही तो पढ़ रहे हैं कि जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर टू द वी एंड बी, वो फोर्स बी के भी परपेंडिकुलर होता है और वी के भी परपेंडिकुलर होता है, मींस वी और बी दोनों एक प्लेन में होते हैं और उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है फोर्स, तो वो वी के परपेंडिकुलर हुआ और बी के भी, तो जिस डायरेक्शन में वी है उसी डायरेक्शन में क्या होगा हमारा एक्स, तो एफ और वी दोनों परपेंडिकुलर हैं, देन एफ परपेंडिकुलर टू एक्स। ओके, तो ऐसे केस में जो वरगडन आएगा, देखिए एफ परपेंडिकुलर टू एक्स मतलब वरगडन हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब है कि अगर हम देखें तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर कोई वरगडन नहीं होगा। कंक्लूजन क्या निकला, देर इज नो नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक कंक्लूजन हमने ये बना लिया कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर कोई वर्क डन नहीं होगा। तो फिर इससे आगे हम इससे क्या बना सकते हैं, ऑल्सो वी नो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम W इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, दैट इज डेल्टा के। वी नो दिस इज फ्रॉम द थ्योरम नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक्चुअली चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, बट इफ देर इज पोटेंशियल एनर्जी वी टेक कॉन्स्टेंट देन दिस इज बिकम्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ओनली। पोटेंशियल एनर्जी को हम छोड़ देते हैं, उसको कंसिडर नहीं कर रहे, अगर वो कॉन्स्टेंट है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे ये वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाते हैं इस केस में। तो अब ये बोलता है कि वर्क डन तो जीरो है, इसका मतलब डेल्टा के क्या है, जीरो। डेल्टा के जीरो मतलब देर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो हम कंक्लूजन ये निकाला इसमें कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑफ ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट, कि जो हमारे पास
कोई भी चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स है ऑन मूविंग चार्ज इज ऑलवेज जीरो। ओके देखिए तो कंक्लूजन क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी किसमें, जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, और काइनेटिक एनर्जी जो है जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो एंटर करेगा उसी के साथ वो उसमें मूव करता रहेगा। अच्छा तो क्या स्पीड कांस्टेंट रहेगी या वेलोसिटी, ये और देख लेते हैं हम। देखिए स्पीड जो रहेगी वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, बट वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी क्यों, क्योंकि उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो उसकी डायरेक्शन में चेंज, जो फोर्स है ना वो परपेंडिकुलर टू वी है। देखिए फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू वी है, अगर इधर मोशन में है तो फोर्स इधर लगेगा ऐसे, तो वो उसकी डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज। तो वेलोसिटी किस वे में चेंज होती है, वो होती है ओनली डायरेक्शन चेंजेस। वेलोसिटी में दो ही तो चीज होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड तो हमने क्या बता दी, कांस्टेंट, वो कहां से बताई हमने, यहां से बताई कि काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ वैसे कांस्टेंट, मास वैसे कांस्टेंट, तो बचता क्या है वी, स्पीड, और स्पीड भी कांस्टेंट ही रहेगी अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो फिर इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है, ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। ओके तो हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के इतने कंक्लूजन बना लिए इसमें, क्लियर। अब देखते हैं कुछ दो स्पेशल केसेस इसके अंदर कि देखिए अलग अलग करके हम दो मोशन पढ़ेंगे इसमें, दो स्पेशल केस बना के। एक तो पढ़ेंगे कि व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू बी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और वो इस तरह से एंटर करता है कि उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है चार्ज पार्टिकल का वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल, हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे इसमें क्या है। व्हेन ए चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 90 डिग्री विद बी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब आप समझ गए होंगे परपेंडिकुलर इनवर्ड, जो B है वो क्या है परपेंडिकुलर इनवर्ड, अगर डॉट हो तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ओके तो देखिए एक चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर किया, ठीक है, उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q है प्लस Q और उसका मास M है। लेट चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू, एक्चुअली प्लस क्यू, एम क्या है मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल और वी, इसका वेलोसिटी वेक्टर,
ठीक है, वी क्या है यहां पे, वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर, मतलब हम डायरेक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो पता करें कैसे फोर्स लगेगा, वी क्रॉस बी, यही बताता है ना डायरेक्शन, तो वी इधर, फील्ड अंदर, तो वी क्रॉस बी, तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। और एक्चुअल में ये जब फोर्स लगेगा इस पे, तो इसकी मोशन ना इस तरह से हो जाएगी, ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, उसके चारों साइड ऐसे घूम रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइंस के सराउंड में ऐसे एक सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा, और ये क्या बनाएगा, एक सर्कुलर मोशन यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की होगी। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट करते हुए लिखते हैं कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 90 डिग्री विद बी, देन इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, इस तरह से। मान लीजिए कि ये जो सर्कुलर पाथ है वो आर रेडियस का है, जो सर्कल बनाया यहां पे वो किस रेडियस का है, आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है। अब इसी सर्कल को हमें स्टडी कर लेना है, ठीक है, कैसे, देखिए अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सोचिए कि हमें कौन से फोर्स की जरूरत होती है सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स की। अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसको किसकी जरूरत होगी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, बट ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से, किसने लगाया, कहता है कि इसके ऊपर, ये देखिए ये जब यहां पे था तो इस पे फोर्स किधर लगा, इस डायरेक्शन में, या फिर ये कह सकते हैं कि जब ये सर्कुलर उस पे है तो टुवार्ड्स द सेंटर, जब ये यहां पे होगा तो इस तरफ, यहां पे होगा तो इस तरफ, यहां पे होगा तो इस साइड। आप अपना रूल कहीं कहीं भी लगा सकते हैं इस पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो इसकी वेलोसिटी किधर है, अलोंग द टेंजेंट, यही होगी, और हमारा फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो देखिए वी क्रॉस बी टुवर्ड्स द सेंटर, मान लीजिए कि यहां पे है तो अलोंग द टेंजेंट क्या है इसके अंदर, वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वी वी, ठीक है, वी फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, वी क्रॉस बी टुवर्ड्स द सेंटर। तो हम देख रहे हैं कि इस पे जहां भी फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, वो कहां लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है यही किसका काम करेगा, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। सो देखिए, फॉर द सर्कुलर मोशन, फॉर द सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द, या हम यही लिखेंगे इसमें, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई द फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स,
ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको चाहिएगा वो कहां से आएगा? कहता है कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना, वही किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? हमने डायरेक्शन तो देख ली कि किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट क्या लगेगा उसका वेलोसिटी वेक्टर होगा, और हमने वहां पे क्या लगाना है, वी क्रॉस बी, जो हमारा राइट हैंड रूल है वो लगाना है। पता चलता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन किधर आती है, देखो टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंटर की तरफ लगने वाला सर्कुलर पाथ में सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स तो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? कहता है जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वही किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला होता है, मान हमने देखो लिखा हुआ है एम मास है, वी उसकी स्पीड है और आर रेडियस में घूम रहा है। तो एम वी स्क्वायर बाई आर, नाइन्थ क्लास में आपका पढ़ा हुआ होगा, याद करिए सेंट्रीपिटल फोर्स का ही फॉर्मूला होता था कि क्या उसका मास है, क्या उसकी स्पीड है, किस रेडियस में वो घूम रहा है, एम वी स्क्वायर बाई आर। एंड एफ बी, देखिए क्यू वी बी साइन थीटा होता है, थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा 90 डिग्री है, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू वी बी, थीटा 90 डिग्री अभी हमने पढ़ा था जस्ट, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, एम वी स्क्वेयर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, एक वी से एक वी कट गया तो आर क्या आ गया, एम वी बाई क्यू बी। किस रेडियस में ये मूव करेगा, वो इस रेडियस में मूव करेगा, एम वी बाई क्यू बी। मीन्स अगर हम ये, हमें ये पता करना हो कि एस कोई चार्ज पार्टिकल है इतने मास का, इस वेलोसिटी से उसमें एंटर किया, इतना उस पर चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो बताओ किस रेडियस के अंदर वो, या किस रेडियस के सर्कुलर पाथ में वो मूव करेगा, तो हमारे पास वो रेडियस होगा एम वी बाई क्यू बी। ओके, और यहां पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज्यादा मास होगा रेडियस उतना ही ज्यादा हो जाएगा, स्पीड जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा स्पीड से एंटर करेगा उतना ही बड़ा सर्कल बनाएगा, जितनी कम स्पीड से एंटर करेगा उतना ही छोटा सर्कल बनाएगा, ठीक है। और यहां पे एक टर्म और आती है जिसको बोलते हैं क्यू बाई एम, ये होता है चार्ज टू मास रेशियो, इसको ध्यान से नोट करना, चार्ज टू मास रेशियो क्यू बाई एम। और जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू है, इसका मतलब हो गया कि इनवर्सली टू चार्ज बाई मास रेशियो। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लिख सकते हैं क्यू बाई एम। कभी कभी कंसेप्चुअली छोटे क्वेश्चंस जो हमारे पास होंगे, जो हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां पे ये पूछ सकता है। तो ये जो है ना, इसकी यूनिट आप पहचानेंगे कैसे कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया जाएगा इस तरह से कूलाम पर केजी में, स्पेसिफिक चार्ज इसको बोल देते हैं शायद। तो हमारे पास क्या है, अगर कोई वैल्यू हमें कूलाम पर केजी में दे दी जाए तो समझ लेना कि आपको Q बाई एम की वैल्यू दी हुई है, Q बाई एम की वैल्यू क्वेश्चन में, और इसमें पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये Q बाई एम पूछ लेगा चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा या कम होगा, तो चार्ज टू मास रेशियो अगर ज्यादा हुआ, चार्ज टू मास रेशियो अगर ज्यादा हुआ तो आर, चार्ज टू मास रेशियो अगर ज्यादा हुआ तो आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो ये हमने रेडियस पता किया, ठीक है। अभी और देख लेते हैं, इसमें कहता है कि ये अपना एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाएगा, दैट इज टाइम पीरियड, हम उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन,
एक चक्कर लगाने में जो टोटल टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड। कि ऐसे कोई चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर किया है, 90 डिग्री पे है, तो ऑब्वियस वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो क्या होगा, उस पर कॉन्स्टेंटली वो मूव करता रहेगा क्योंकि स्पीड तो चेंज होनी नहीं है। तो वो कहता है कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा ऐसे उसमें मूव करने का, तो टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू, टाइम का फॉर्मूला होता है टू, देखिए एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr टाइम, और स्पीड कितनी होगी उसकी, वी, 2πr बाई वी। ओके, टाइम एक्चुअल में टाइम पीरियड क्या है, टाइम ही है, बट वो एक राउंड को पूरा करने के लिए जो टाइम लगा रहा है उसको हम टाइम पीरियड बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बार बार क्या होगा, रिपीटिशन होगा, और इस तरह की मोशन जो बार बार को अपने आप को रिपीट करे उस केस में हम उसको पीरियडिक मोशन बोलते हैं। तो पीरियडिक मोशन में वो एक मोशन कितनी देर में रिपीट, एक एक इवेंट या एक राउंड कितनी देर में पूरा हो रहा है उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। ओके, तो टी इज इक्वल टू 2π और R की वैल्यू 2π बाई वी, और R की वैल्यू ये रही हमारे पास mv बाई qb, v से v कैंसिल आउट, 2πm बाई qb। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट हमारे सामने है, इंटरेस्टिंग इन केस कि अगर देखा जाए तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। देखिए इसमें आपको कहीं वेलोसिटी नजर आ रही है, नहीं ना, तो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है टाइम पीरियड। तो किस वेलोसिटी से वो उसमें एंटर करता है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है टाइम पीरियड का। तो हम इसमें लिखेंगे टाइम पीरियड इज वेलोसिटी इंडिपेंडेंट। ओके, तो हमने 2πm बाई क्यू भी क्या निकाल दिया, उसका टाइम पीरियड निकाल लिया कि वो एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है टाइम पीरियड जहां होता है वहां पे क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी भी होती है। देखो टाइम पीरियड होता है कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, और फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि पीरियोडिक मोशन जो रिपीटेशन वाली, बार बार अपने आप को जो रिपीट कर रही है, वो इवेंट जो बार बार हो रहा है वो अपने आप को रिपीट एक सेकंड में कितनी बार कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। टायर घूमता है, फैन घूमता है, ठीक है, तो एक सेकंड में कितने चक्कर लगा देता है वो, उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस या रिपीटेशंस, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, या फिर इस तरह लिख दो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम न्यू से या फिर स्मॉल एफ से। अच्छा, इसकी टाइम पीरियड की यूनिट टाइम या टाइम पीरियड एक ही चीज है, बस उसका नाम टाइम पीरियड क्यों दे दिया, कि वो एक पर्टिकुलर रोटेशन का टाइम है। तो इसकी जो यूनिट होगी, जो हम पढ़ते आते हैं टाइम की, वही यूनिट होगी। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, सेकेंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास, इट इज डिनोटेड बाय न्यू और स्मॉल एफ। इसमें एक चीज और देख सकते हैं, किसको हम बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। देखिए कोई स्लो स्लो मूव कर रहा है तो ज्यादा टाइम लगाएगा, मतलब टाइम पीरियड क्या है, ज्यादा। तो ऐसे में जब वो स्लो मूव कर रहा है तो एक सेकेंड में उसके रिवॉल्यूशन कम होंगे कि ज्यादा, रिवॉल्यूशन ऑब्वियस कम होंगे, धीरे धीरे चल रहा है तो रिवॉल्यूशन क्या होंगे, कम।
टाइम पीरियड ज्यादा तो रिवोल्यूशन कम, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी एन बाई टी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड, या इसको हम एन को अगर इफ एन इज इक्वल टू वन है तो न्यू हमारे पास हो जाएगा वन बाई टी, ठीक है। और टाइम पीरियड हमारे पास क्या दिया हुआ है, टू पाई एम बाई, देखिए एन इज इक्वल टू वन तो ये वन का ही तो टाइम पीरियड है ना, वन रिवोल्यूशन, ये एन क्या है, एन हमारे पास है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ओके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। अगर ये टाइम पीरियड देखें तो ये किसका है, वन रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड है ना, ये वन रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड है, तो हम वहां पे एन की वैल्यू क्या यूज करेंगे, वन, तो ये क्या आ गया वन बाई टी। तो रेसिप्रोकल, अगर टाइम पीरियड ज्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, जो स्लो स्लो मूव करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, मीन्स एक सेकेंड पे कम चक्कर लगाएगा, तो हमारे पास न्यू आ जाएगा, ये है टू पाई एम बाई क्यू बी, उल्टा कर दो क्यू बी बाई टू पाई एम हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गई, उस मोशन की फ्रीक्वेंसी आ गई है, ओके हमने क्या निकाल लिया, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली। एक टर्म इसमें और होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो होती है ओमेगा, ओमेगा टू पाई बाई टी, एक तरह से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारे पास, और इस तरह की सिचुएशन में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल, ओके। तो और हमारे पास देखिए ओमेगा अगर हम देखें तो क्या होता है, थीटा बाई टी होता है ना एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान हो तो ओमेगा थीटा बाई टी, ठीक है, जब एक चक्कर पूरा होगा तो एंगल टू पाई, और एक चक्कर पूरे होने के टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, तो टू पाई बाई टी, और देखिए वन बाई टी क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास हो जाएगा टू पाई न्यू, और अगर हम इसको थोड़ा और देखें तो टू पाई और न्यू क्या है, क्यू बी बाई टू पाई एम, टू पाई से टू पाई कैंसिल, तो ओमेगा क्या आ गया, क्यू बी बाई एम, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास थे कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे एंटर करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और उस सर्कुलर पाथ के क्या टाइम पीरियड होंगे, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो हम सबने देखा। एक छोटा सा कंसेप्ट और इसमें देख लेते हैं, व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल लेस देन, एट एन एंगल थीटा ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90, इस सिचुएशन मींस थीटा की वैल्यू क्या हो, जीरो से ज्यादा हो और 90 से क्या हो, कम हो, ऐसी हमारे पास सिचुएशन में क्या होगा, देखिए तो मान लीजिए हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड बी, अब की बार ये परपेंडिकुलर नहीं है, इस बोर्ड प्लेन में है ऐसे, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे तो एंटर कर जाए, देखिए नीचे से चल के, तो इसका मतलब तो वो 90 पे एंटर कर रहा है, और अगर वो ऐसे चले तो इसका मतलब वो जीरो पे, तो हमने क्या देखा सिचुएशन, थीटा ग्रेटर देन जीरो हो और लेस देन 90, तो वो ऐसे एंटर करेगा इसके अंदर, इस तरह की सिचुएशन,
वही चार्ज पार्टिकल के पास क्यू चार्ज होगा, एम मास होगा और वी उसकी वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, जब ये ऐसे एंटर करेगा इसमें तो ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, कहीं भी बना लीजिए, वेलोसिटी का जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है उसके साथ थीटा एंगल बनाया है। क्लियर? और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90 की सिचुएशन में, थीटा ग्रेटर देन जीरो या लेस देन 90 हमारे पास है। ओके, अब क्या होगा, देखिए जो वेलोसिटी वेक्टर फील्ड के पैरेलल होता है उस वेलोसिटी वेक्टर की वजह से चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगता, और जो वेलोसिटी वेक्टर चार्ज का फील्ड के परपेंडिकुलर होता है उसकी वजह से उस पर फोर्स लगता है और उसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम यही देख लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर वी है इसको रिजॉल्व करते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा ये वी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट आएगा ये वी साइन थीटा। ठीक है, अब जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर v cos थीटा है वो तो कहता है कि मैं चार्ज पार्टिकल को सीधा लेके जाऊंगा, ये v cos थीटा कहता है कि मैं चार्ज पार्टिकल को इधर लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो ये वाला वेक्टर है ना वो कहता है मेरी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो मैं अपना काम करूंगा, मैं इसको सीधा लेके जाऊंगा। ठीक है भाई, ये लेके जाएगा। बट ये जो v sin थीटा है ये कहता है कि नहीं, मेरा जो वेलोसिटी वेक्टर है ये जो v sin थीटा है उसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल है उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किस तरह लगेगा, देखिए v और b किधर है हमारा, ओहो हमें इधर करना पड़ेगा उसको, तो इधर बैंडना पड़ेगा ना, देखो b इधर है v ऊपर है, v क्रॉस b, हमारी उंगलियां v की तरफ होनी चाहिए, क्रॉस b की तरफ बैंड हो जाए, इस तरह से करना है हमें उसको। अगर मैं इसको ऐसे करता तो b की तरफ बैंड नहीं होती, ऐसे करता तब ऐसे बैंड होती, b तो उधर थोड़ी है, b तो इधर है, इधर नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे किया, देखिए v क्रॉस b, तो थंब किधर है, अंदर की तरफ है ना, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये क्या करेगा, देखिए इस पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे इस डायरेक्शन में, और एक चार्ज पार्टिकल ऐसे घुस गया इसके अंदर आके ऐसे, तो इसके ऊपर एक तो सीधा ले के जा रहा है उसको एक ये वाला वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर कहता है नहीं मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, इधर फोर्स लगेगा तो इसमें ये ऐसे घूमेगा, तो इस तरह की सिचुएशन में ये इसका जो कंप्लीट, तो देखिए ये ऐसे घूमेगा किसकी वजह से, इसकी वजह से, और जो वी कॉस थीटा है वो क्या करेगा, वो उसको सीधा लेके जाएगा, तो जो पाथ है उसका कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज हेलिकल पाथ, दिस इज हेलिकल पाथ, ये गोल गोल क्यों घूम रहा है, वी साइन थीटा की वजह से, और ये सीधा क्यों चल रहा है, वी कॉस थीटा की वजह से। ये तो वही बात होगी ना कि कोई ये वाला ऑब्जेक्ट है कि एक फोर्स इसको ऐसे ऐसे घुमाए और एक इसको इधर लेके जाती है, क्या करेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, मीन्स v cos थीटा इसको आगे खींच रहा है और v sin थीटा इसको ऐसे घुमा रहा है। क्लियर बात? और ये जो पाथ हमारे पास आएगा वो सर्कुलर था, इसको क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ बोलते हैं। क्लियर? तो हम इस सिचुएशन में लिखेंगे इन दिस केस चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए हेलिकल पाथ, चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए हेलिकल पाथ, ये हेलिकल पाथ में मूव करेगा और इसके अंदर क्या क्या होगा हमारे पास, देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, टाइम
टाइम पीरियड था 2 पाई एम बाई क्यू बी, एम मास है, क्यू चार्ज है, बी फील्ड है, सेम टाइम पीरियड यहाँ पे वही आएगा, कोई उसमें हमने पढ़ लिया था कि वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में कितनी है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी टर्म हमें जो पढ़नी है उसको बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स ये क्या होती है, कहता है कि ये जब ऐसे घूमेगा तो साथ साथ आगे भी चलेगा, तो ये जब एक राउंड लगा के पूरा यहां से चल के जब एक राउंड लगा के यहां पहुंचेगा तो कितना आगे चल चुका, देखना यहां से चला ऐसे ऐसे, मींस अगर ये यहां से चला है और ऐसे घूमते घूमते यहां पहुंच गया है, मैं एक और अच्छा बना लेता हूं, यही सही रहेगा। देखिए अगर ये एज इट इज सर्कल में होता तो ये यहीं पहुंचता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ये चला यहां से था और एक सर्कल पूरा होते होते यहां पहुंचा, फिर अगले सर्कल के लिए ये यहां पहुंचा, ये वाली डिस्टेंस या ये वाली डिस्टेंस, मतलब यहां से लेके यहां तक या फिर यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स क्लियर, इसको हम अब कहता है कि जो पिच ऑफ हेलिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे, कहता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीटिंग वन रोटेशन या वन रिवॉल्यूशन, इन कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन, ओके, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की उसको हम क्या बोलते हैं, पिच ऑफ हेलिक्स बोलते हैं, ओके, जितना ये घूमेगा उतना उसी एक राउंड पूरा लगा करेगा तब तक ये कुछ आगे भी चलेगा, और वो जितना आगे चलेगा ना इस डायरेक्शन में उसी को पिच ऑफ हेलिक्स बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड होगी वो कितनी होगी, पिच ऑफ हेलिक्स है वो कितनी होगी, देखिए पिच ऑफ हेलिक्स वो हमारे पास होगी, देखिए किस स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा, वी कॉस थीटा से, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है, v cos थीटा इंटू टाइम, कितना टाइम पीरियड के जितना, क्योंकि एक राउंड में कितना टाइम लगेगा, t टाइम लगेगा, कैपिटल t टाइम, तो ये हो जाएगा v cos थीटा और टाइम पीरियड है 2 पाई m बाई क्यू बी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पिच ऑफ हेलिक्स, गॉट इट, और इसकी यूनिट क्या होगी, अरे हॉरिजॉन्टल, देखिए मैंने क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, नाम पिच ऑफ हेलिक्स है बट है क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, स्टॉनली मीटर, गॉट इट, तो दिस इज ऑल अबाउट द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक